कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सके। चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गणित विषय में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था पहरा। और पहरा पढ़ने से पहले बहुत बच्चे आज पहली बार क्लास में ज्वाइन किए होंगे, या कुछ बच्चे दूसरी क्लास में ज्वाइन किए होंगे, तो उनको थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि हम लोग ऑनलाइन क्लास में कैसे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपने स्कूल में जाते हैं, तो अगर आपको अपने शिक्षक से सवाल पूछना होता है तो आप हाथ खड़ा करते हैं और अपना सवाल पूछ लेते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे ऑनलाइन में आप कैसे सवाल पूछिएगा, तो ऑनलाइन में सवाल पूछने का बहुत ही सरल तरीका बताते हैं, वो है आपका चैट बॉक्स के जरिए। किसके जरिए? चैट बॉक्स के जरिए। चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं कि कैसे चैट बॉक्स का यूज करते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सभी बच्चे 1 मिनट वेट करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। ध्यान देंगे सर बच्चे, अगर आपको हमसे सवाल पूछना होगा, अगर आपको हमसे सवाल पूछना होगा तो आपको क्या करना है, देखिए आपके स्क्रीन पे देखिए कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, सभी बच्चों को दिख रहा है। चलिए मैं कॉर्नर में 3 बिंदु पर क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक करता हूं, देखिए ऊपर में इन कॉल मैसेज का ऑप्शन आ रहा है। इन कॉल मैसेज को हम लोग चैट बॉक्स के नाम से भी जानेंगे या कमेंट सेक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, आपको इन कॉल मैसेज पे क्लिक करना है। जैसे मैं इन कॉल मैसेज पे क्लिक करता हूँ, चलिए मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 2 + 3 कितना होता है, तो क्या टाइप कीजिएगा आप कि 2 + 3 हमें मिलता है 5। कितना मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 5। देखिए मैंने इनका किया 5 हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी से सारे बच्चे करेंगे, जल्दी से सारे बच्चे करेंगे कि 2 + 3 कितना होता है और कहाँ करना है आपको, तो आपको करना है चैट बॉक्स में जाके आपको उत्तर करनी है। जल्दी करेंगे सारे बच्चे। दो प्लस तीन कितनी होती है, 5 होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मतलब सही बच्चों को समझ में आ गया कि कैसे आपको अपना डाउट पूछना है। तो जहां पे मैंने बोला आपको इन कॉल मैसेज में जाकर आपको हमको पूछना है। राजू नाम से जो भी बच्चा जो आना है कृपया करके अपना माइक म्यूट रखें। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर आपको डाउट पूछना होगा तो आपको इन कॉल मैसेज में जाके अपना डाउट पूछनी है। ठीक है, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। राजू नाम से भी जो बच्चा जो है ना, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करो बाबू, ताकि मुझे पता चल सके। जल्दी से टाइप करो कर बाबू। चलो मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब दूसरा बात क्या होगा कि अगर आपको डाउट पूछना होगा तो आप क्या किया कीजिएगा, चैट बॉक्स में जाके अपना डाउट पूछ लिया कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे आपसे कोई डाउट पूछना होगा तो मैं क्या करूंगा, पोल सेक्शन का उपयोग करूंगा। और अधिकतर बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में पता होगा। जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है उन बच्चों को मैं थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ कि पोल सेक्शन कैसे आता है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु दिखेगा, ये आपका पहला स्क्रीन दिख रहा होगा, ये आपका पहला स्क्रीन है, तो कॉर्नर में आपको देखिए 3 बिंदु दिख रहा है। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा ये आपको दूसरा स्क्रीन दिखने रहेगा। जब आपको ये दूसरा स्क्रीन दिखेगा आपको नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा आपको ये तीसरा स्क्रीन दिखने लगा। इस स्क्रीन पे देखिए ऊपर क्या है, पोल का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, जैसे पोल पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी क्वेश्चन होगा ऐसे क्वेश्चन नंबर के साथ होगा, और जो क्वेश्चन का आंसर सही होगा उस क्वेश्चन के आंसर को आपको टिक कर देना है। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन 1 31 का क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर सी है तो मैं सी पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं वोट दे दूंगा। अभी अभी नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है कृपया करके अपना माइक म्यूट रखें। ठीक है, कृपया करके अपना माइक म्यूट रखें, किसी बच्चे को अपना माइक ऑन नहीं करना है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको पोल सेक्शन में जाके उत्तर देनी है। ठीक है, चलिए तो एक बार मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, उसका उत्तर कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में जाके आपको उसका उत्तर देना है। क्वेश्चन ये है 2 + 3 + 6 का मान कितना होता है, और इसका उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है।
इसका उत्तर कहाँ देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर आपको इसका उत्तर देना है। चलिए जल्दी से जल्दी सारे बच्चे करेंगे इसका उत्तर। कहाँ देना आपको इसका उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर आपको इसका उत्तर देना है। चैट बॉक्स में किसी बच्चे का उत्तर नहीं देना है, कहाँ देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर देनी है। ठीक है, 2 + 3 + 6 कितना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे, जितने बच्चे ज्वाइन किए हैं, सारे बच्चों को पोल सेक्शन जाकर उत्तर देना है। पोल सेक्शन में मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूं कि मैं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछूं उसका उत्तर हमेशा आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी करेंगे सर बच्चे। अभी नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, कृपया करके जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक मैं जितना बच्चा को देख लिया, अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दे रखा है, वो भी पोल सेक्शन में। ठीक है, फिर भी मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दिया होगा जल्दी जल्दी अपना उत्तर कर देंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में दे दिया है। ठीक है, चलिए, ये सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा था ताकि आपको पोल सेक्शन के बारे में पता चल जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको पहाड़ा पढ़ा रहा था, और पहाड़ा में मैं आपको 2 का टेबल सिखा दिया था, और वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि किसी का टेबल, किसी भी का टेबल, किसी भी संख्या का टेबल या किसी भी संख्या का पहाड़ा जो होता है उनके जोड़ के बराबर होता है। जैसे कि देखिए, 5 1 = 5, इसका मतलब ये हुआ कि 5 को जब हम एक बार जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ठीक उसी प्रकार 5 2 = 10, इसका मतलब हुआ कि 5 को जब हम 2 बार जोड़ेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, सारे के सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आना उससे कमेंट नहीं करेगा, सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। अभी नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, तनु नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। आप सभी की हरकतें जो है नोट हो रही है, रिकॉर्डिंग ऑन है, ध्यान देंगे सर बच्चे। कृपया करके अपना कैमरा ऑफ रखेंगे, कृपया करके स्क्रीन पे ध्यान दे और नोट्स बनाए, साथ साथ नोट्स बनाए कीजिए। चलिए, ठीक उसी प्रकार 5 3 = 15, 5 3 = 15 का मतलब हुआ कि 5 को जब हम 3 बार गुना करते हैं तो 15 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 5 को अगर हम 3 बार जोड़ेंगे तो हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 5 4 = 20 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 5 को जब हम 4 बार जोड़ते हैं तो हमें 20 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार 5 5 = 25, इसका मतलब हुआ कि अगर हम 5 को 5 बार जोड़ते हैं तो हमें 25 प्राप्त होता है। तो चलिए, मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूँ, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 5 8 = 40, इसका मतलब 5 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, सही बच्चे 4 बार बताएंगे। 5 8 = 40, इसका मतलब 5 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 5 को 8 बार जोड़ना पड़ेगा, तो हमें 5 8 = 40 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक उसी प्रकार से जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 5 10 = 50, इसका मतलब 5 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 5 10 = 50, इसका मतलब 5 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 5 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, तो 5 को 10 बार जोड़ना पड़ेगा। तो ये सभी बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें किसी भी संख्या का पहाड़ा, अगर हमें किसी भी संख्या का पहाड़ा याद करना है या देखना है तो वो जो होता है अपने जोड़ के बराबर होता है। जैसे कि 5 3 = 15, इसका मतलब 5 को 3 बार जोड़ेंगे तो 15 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 5 8 = 40, इसका मतलब 5 को 8 बार जोड़ेंगे तो हमें 40 प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं 5 × 14 करूं, 5 × 14 करूं मतलब 5 × 14 कितना होता है 70, तो आप ये बताइए
इसको प्राप्त करने के लिए हमें 5 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा। 5 × 14 बराबर 17 होता, 70 होता है। इसका मतलब 5 को कितना बार ऐड करना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, कितना बार करना पड़ेगा, 14 बार ऐड करना पड़ेगा। इस तरह हमें 5 को 14 बार ऐड करने पे हमें 70 प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत ही सरल कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट का क्या नाम है, चलिए सीख लेते हैं। उसको पढ़ने से पहले सभी बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सर बच्चे, स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी सर बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में एस टाइप करना है। अभी नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ, जल्दी से बाबू इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में एस टाइप करो। जल्दी करेंगे, चैट बॉक्स बोलो या इन कॉल मैसेज बोलो या कमेंट सेक्शन बोलो, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गुणन प्रक्रिया बोलते हैं, गुणन कहते हैं। क्या मैंने बताया आपको कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो उसी प्रक्रिया को गुणन कहा जाता है। जैसे कि देखिए, अभी मैंने बताया आपको 5 × 2 कितना होता है, 10 होता है। ये कैसे है, ये आया हाँ आपका 5 को जब 2 बार हम लोग जोड़ते हैं तो वो कितना मिलता है, 10 मिलता है। तो वही बात हुआ कि एक ही संख्या को, जैसे 5 को और 5 को जब हम बार बार जोड़ते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, गुणन की प्रक्रिया बोल देते हैं। उम्मीद करता हूँ इस सारे बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि हमें पता है 5 × 3 कितना होता है, 15 होता है। 5 × 3 कितना होता है, 15 होता है। तो अगर हम लोग एक ही संख्या को बार बार जोड़े, यहाँ पे एक ही संख्या कौन कौन है, यहाँ पे एक ही संख्या है 5, फिर वही संख्या 5, फिर वही संख्या 5, कितना बार हम लोग जोड़ रहे हैं, तो हम लोग 3 बार जोड़ रहे हैं। तो हम लोग 3 बार जोड़ने से अच्छा अगर हम लोग उसको 3 से गुणा कर देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो यही मैंने लिख रखा है कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो उसी प्रक्रिया को हम लोग गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है कि जब 5 को 3 बार जोड़ना या 5 को 3 से गुणा करना एक ही बराबर होता है। तो मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं एक एग्जाम्पल के जरिए कि अगर मैं करूं 7 + 7 + 7 + 7 + 7, है ना, तो इसको गुना के रूप में कैसे लिखना पड़ेगा, 7 को किस संख्या से गुना करना पड़ेगा। जल्दी सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे 7 को किस संख्या से गुना कर सकते हैं ताकि वो एक ही संख्या को बार बार जोड़ने पर गुणन की प्रक्रिया में आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अभी तक इसका आंसर नहीं किया, जल्दी आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, कितना करेंगे, 5 से करेंगे। कितना करेंगे, 5 से करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी हम 7 को अगर हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं उससे अच्छा जितना बार जोड़ते हैं उसी से गुना कर देते हैं। तो 7 × 5 = 35। उम्मीद करता हूं कि ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी, ये कंसेप्ट सारे बच्चों को समझ में आ पांच गई होगी कि अगर एक ही पांच संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को गुणन कहा जाता है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में एस टाइप कीजिए करेंगे सर बच्चे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे सारे सर बच्चे करेंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो उसी प्रक्रिया को गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसी से हमें पहला आता है। ठीक है, चलिए चलिए, अब उसी पर का हम लोग कुछ पहाड़ देख लेते हैं। जैसे अभी अभी हमने सीखा जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने से अच्छा हम उसको गुणा करते चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को गुणा जो है अच्छे से आता है। तो एक एक करके सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताते जाएंगे। सबसे पहले बताइए सर बच्चे कि 3 × 1 कितना होता है, जब 3 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना मिलता है। सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, सारे
बच्चे चैट बॉक्स बताएंगे, कोई बच्चे माइक ऑन नहीं करेगा। राजू नाम से जो भी बच्चा जो है कृपया करके अपना माइक म्यूट रखें, नहीं तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मैंने पहले ही बोल रखा है किसी बच्चा को अपना माइक ऑन नहीं करना है। सभी बच्चों को जो भी उत्तर देना है चैट बॉक्स में जाके अपना उत्तर देना है। कुछ भी डाउट होता है चैट बॉक्स के जरिए अपना डाउट पूछिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थ्री वन जा होता है थ्री, ठीक है। चलिए ठीक, कुछ बच्चे बताएंगे थ्री टू जा कितना होता है। चल बताएंगे से बच्चे चैट बॉक्स में, थ्री टू जा होता है सिक्स। थ्री टू जा का देखिए यहाँ मतलब क्या हुआ, थ्री टू जा का मतलब ये हुआ कि थ्री को हम लोग दो बार जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें सिक्स प्राप्त होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार चलिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए, थ्री थ्री जा होता है नाइन, थ्री फोर जा होगा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एटीन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, थ्री टेन जा थर्टी, ठीक है। चलिए एक सवाल और सभी बच्चों से सही बताएंगे, थ्री गुने नाइन क्या मतलब क्या हुआ, थ्री को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा। चलिए बताएंगे सर बच्चे चार बॉक्स में, थ्री गुने तीन बार नाइन कितना बार जोड़ना पड़ेगा। राजू नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है कृपया करके बाबू अपना माइक म्यूट रखें, नहीं तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। कोई बच्चा अगर माइक ऑन करता है तो उससे सारी क्लासेस डिस्टर्ब होती हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट पूछना भी है ना, अगर माइक ऑन करके डाउट पूछना है क्लास के बाद रुक जाइएगा और अपना डाउट माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछना है, ठीक है। चलिए और आपने आंसर जो है सही दिया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन कोशिश किया कीजिए कि चैट बॉक्स में अपना आंसर कीजिए, बहुत बढ़िया। मतलब अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया था कि थ्री को अगर हम 9 बार जोड़ेंगे या थ्री को 9 से गुणा करेंगे तो हमें सेम उत्तर प्राप्त होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार बताइए सारे बच्चे फोर का टेबल, चलिए देख लेते हैं फोर का टेबल। फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर फोर जा 16, 4, 5 जा 20। जिन बच्चों का हिंदी में टेबल याद, चले हिंदी में याद कर लेते हैं। 6 चौका 24, 7 चौका 28, 8 चौका 32, 4 नवा 36, 4 दहिया 40। चलिए एक सवाल यहाँ पे सभी बच्चों से कि अगर 4 × 6 हो या 4 को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा। चलिए बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में, 4 × 6 है, 4 × 6 है, तो 4 को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा। जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में, जल्दी बताएंगे सर बच्चे कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 6 बार जोड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 को हमें 6 बार जोड़ना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। मतलब सारे बच्चों को यह समझ में आ गई है कि एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को गुणन की प्रक्रिया कह सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार आपको 5 का टेबल दिख रहा होगा कि 5 एकम 5, 5 × 10, 5 × 15, 5 × 20, 50 50, 5 × 30, 5 × 35, 5 × 40, 5 × 45, 5 × 50। तो उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को 1 से लेकर 5 तक के टेबल में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये क्या काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चों को यहाँ 1 से लेकर 5 तक का टेबल आसानी से याद कर लेनी है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को करना है, जल्दी से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को 1 से 5 तक का टेबल आसानी से याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए पिछले क्लास में एक बच्चा का डाउट था कि सर अगर हम लोग किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है। आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर अगर हम लोग किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग, किसी को आइडिया है, किसी बच्चा को कुछ भी आइडिया है वो बच्चा अपना बोल सकता है चैट बॉक्स में कि अगर हम लोग किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो 0 से गुना करने पे हमें 0 ही प्राप्त होता है। चलिए उसको पढ़ने से पहले हम लोग 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सभी बच्चों को एक एक करके चैट बॉक्स में उत्तर देना है, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, 3 × 6। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है 3 × 6। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 18,
बी ऑप्शन है 21, सी ऑप्शन है 28, डी ऑप्शन है 15। सही बच्चों को इसका उत्तर कहाँ देना है? चैट बॉक्स में देना है। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 3 × 6 कितना होता है? 18 होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार सारे बच्चों को सेकेंड क्वेश्चन का उत्तर देना है, दूसरा प्रश्न का उत्तर देना है। 4 × 8 कितना होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 40, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 32, चौथा ऑप्शन है 16। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना होता है? 32। कैसे है? देखिए 4 × 8 का मतलब हुआ कि 4 को हमें 8 बार जोड़ना पड़ेगा। जब हम 4 को 8 बार जोड़ेंगे, जब हम 4 को 8 बार जोड़ेंगे तो हमें 32 प्राप्त होगा। जब 4 को हम 8 बार जोड़ेंगे तो हमें 32 प्राप्त होगा, नहीं 14। अच्छा अगला सवाल नहीं, हम अभी दूसरे सवाल पढ़ रहे हैं, अभी हम उनको दूसरा सवाल बना लीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बहुत सब बच्चे अगला सवाल का उत्तर दे रहे हैं। ठीक है आते हैं आते हैं, पहले हम लोग दूसरा सवाल डिस्कस कर लेते हैं। चलिए 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 तीसरे सवाल पे आते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है 7 × 2 क्या होगा? जिस सवाल के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसी सवाल पर सारे बच्चे रहेंगे। 7 × 2 कितना होता है? जल्द बताएंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 21, बी ऑप्शन है 14, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 12। 7 × 2 कितना होगा? 2 × 7 कितना होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 2 × 7 कितना होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 2 × 7। इसका मतलब क्या हुआ? 2 को अगर हम 7 बार जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 को अगर हम 7 बार जोड़ेंगे तो हमें 14 प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। चलिए ठीक उसी प्रकार सारे सारे बच्चे बताएंगे कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 × 4 कितना मिलेगा? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 16। क्या होगा? 4 × 4 कितना आता है? 4 × 4 कितना होगा? 16। बहुत बढ़िया बहुत, मतलब सारे बच्चों को पता है। ठीक उसी प्रकार 5 × 9, 5 × 9 हमें कितना मिलेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 5 × 9 हमें कितना मिलेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 5 × 9 का मतलब हुआ कि 5 को हमें 9 बार ऐड करना पड़ेगा तो हमें कितना प्राप्त होगा? कितना प्राप्त होगा जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 45। बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान था। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए तो आपको इसके नोट्स बनाने के लिए मैं आपके स्क्रीन पे दिखा दिया हूँ। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप कीजिए। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप कीजिए ताकि मुझे पता चल सके आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए आप, सभी बच्चों को करना है, सभी बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसका नोट बना लेना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब रही बात मेरी सवाल पूछने की बारी आ गई है। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि आपके स्क्रीन पे है। सभी बच्चों को अपना क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है 1 × 1278 किसके बराबर होता है? सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न क्या है? 1 × 1278, 1278 बराबर कितना होता है? सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है? पोल सेक्शन के बाद जाकर देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास मात्रा 1 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। जिन बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देने नहीं आता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपको क्या करना है, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, उस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, उस एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा आपको पोल सेक्शन का ऑप्शन आएगा, उस पोल सेक्शन में आपको इस प्रश्न का उत्तर कर देना है। जल्दी करेंगे सर बच्चे, लास्ट 40 सेकेंड जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत में, बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं, बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। 1 × 1278 कितना होता है? मैंने आपको ये पिछले क्लास में बता दिया था कि 1 में जिस संख्या से हम लोग गुना करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। तो जल्दी से जल्दी इसका उत्तर कहाँ कीजिए? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। ठीक है,
कहाँ करनी है आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। लास्ट 20 सेकेंड, जिन बच्चों ने उत्तर कर दिया बहुत बढ़िया है, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। बाकी जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है वो बच्चे क्या करेंगे? चैट बॉक्स में एन टाइप कर देंगे। बाकी जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है वो बच्चे क्या करेगा? चैट बॉक्स में एन टाइप कर देगा। बाकी जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में पता है वो बच्चे पोल सेक्शन में जाके उत्तर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड 5 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। बहुत ही सरल प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि वन में हम लोग जिस संख्या, जैसे मान लीजिए 1 × 10, 1 में अगर हम 10 से गुना करेंगे क्या मिलेगा हमें? 10 मिलेगा। यानी एक में हम लोग जिस संख्या से गुना करते हैं वही संख्या हमें प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 1 × 1278 है, 1278 है, यानी किससे गुना कर रहे हैं हम लोग? 1278 से, तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। तो 1278 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही है? तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक में जिस संख्या से गुना करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, सभी चेक करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी आप पोल सेक्शन में दे सकेंगे। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना आपको? इस प्रश्न का उत्तर देना आपको पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 को किसी भी संख्या से गुना करने पर हमेशा डैश संख्या आती है, खाली स्थान संख्या आती है। कौन सा संख्या आती है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है वही संख्या सेम नंबर, तीसरा ऑप्शन है सम संख्या, चौथा ऑप्शन है विषम संख्या। और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ देना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक बहुत बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दे रखा है, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना आपको? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहां करना आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। लास्ट 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 10 सेकेंड 5 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी संख्या अगर 2 के पहाड़ा में आती है, कोई भी संख्या अगर 2 के पहाड़े में आती है तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर किसी भी संख्या को 2 से गुना करने पे, कहने के मतलब कि 2 के पहाड़ा में अगर आती है तो वो संख्या जो होती है सम संख्या कहलाती है। इसका मतलब 2 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे वो संख्या जो आएगी हमेशा सम संख्या आएगी। जैसे कि मान लीजिए 2 को अगर हम 2 से गुना करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। देखिए 4 जो होता है 2 के पहाड़े में आता है। ठीक इसी प्रकार कुछ भी कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 2 × 10 कितना आएगा? 20। 20 भी हमारा 2 के पहाड़े में आता है। यानी जो संख्या 2 के पहाड़े में आती है
उसको हमें सम संख्या कहते हैं, या जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उससे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तब कोई भी संख्या ले लीजिए जिसे दो से अगर आप गुणा कीजिएगा वो संख्या हमेशा दो से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब कि कट जाएगी, तो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे कि दो को हम 100 से गुणा करते हैं 200, ये भी दो से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी दो में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो संख्या हमेशा सम संख्या आएगी। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे सारे बच्चे। अगर सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर एकदम अच्छे से समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे सारे बच्चे। आई समझ में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला कंसेप्ट पे, जो कि अगला कंसेप्ट अभी अभी आपको मैंने बताया कि एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर किसी भी संख्या को अगर हम लोग जीरो से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है। चलिए देख लेते हैं, बहुत बच्चे ने इसको उत्तर दिया है, सही दिया है। देखिए किसी भी संख्या को अगर हम लोग जीरो से गुना करते हैं, जीरो से गुना करते हैं तो हमें जीरो शून्य प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि शून्य गुने वन शून्य मिलेगा, शून्य गुने टू शून्य मिलेगा, शून्य गुने थ्री शून्य मिलेगा, शून्य गुने फोर क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। यानी जीरो से किसी भी संख्या में हम लोग गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है, तो हमें शून्य प्राप्त होने वाला है। तो चलिए एक सवाल आपसे मेरा है कि अगर शून्य को 10001 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। जल्दी बताइए सर बच्चे चार बॉक्स में, अगर शून्य को जीरो को 10001 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या प्राप्त होने वाला है, तो हमें जीरो प्राप्त होने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो ये सभी बच्चों को याद रखना है कि शून्य को अगर किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो हमें हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। शून्य को हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा, जीरो ही प्राप्त होगा। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे। जल्दी करेंगे सब बच्चे कि शून्य को किसी भी संख्या से गुना करने पे हमें शून्य ही प्राप्त होती है। शून्य को किसी भी संख्या से गुना करने पे हमें शून्य ही प्राप्त होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए सबसे पहला प्रश्न है आपका, शून्य गुने सिक्स कितना हुआ, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 0। आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। शून्य गुने सिक्स कौन सा ऑप्शन सही है। शून्य को अगर हम लोग 6 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। अभी अभी तो मैंने आपको बताया कि शून्य में हम लोग किसी भी संख्या से गुना करें वो हमेशा क्या मिलता है, हमेशा हमें शून्य मिलता है, हमेशा हमें जीरो मिलता है। तो जीरो किस ऑप्शन में है, तो जीरो ऑप्शन डी में है। ठीक है, शून्य में आप किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो हमेशा हमें शून्य प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार शून्य गुने 18, ठीक उसी प्रकार शून्य गुने 18, शाम्स नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है कृपया करके अपना कॉपी किताब लेकर बैठे ताकि साथ साथ आप नोट्स बना सके। ठीक है, चलिए हमें पता है शून्य को किसी भी संख्या से गुना करने पर हमें क्या मिलता है, शून्य मिलता है। इसका मतलब शून्य गुने 18 कितना होगा, शून्य गुने 18 आपका शून्य होगा। शून्य गुने 18 कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार 700 गुने 0 कितना होगा, जल्दी बताएंगे बच्चे। 700 गुने 0 आपके पास चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 700, दूसरा ऑप्शन है 7000, तीसरा ऑप्शन है 70, चौथा ऑप्शन है 0। जल्दी बताएंगे सर बच्चे 700 गुने 0 क्या मिलने वाला है हमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या मिलने वाला है, 700 नहीं मिलने वाला। अभी अभी आपको मैंने बताया कि शून्य को किसी भी संख्या के साथ गुना करो तो हमें शून्य ही प्राप्त होता है,
यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। तो मैंने आपको दो चीजें बताई, कौन कौन सा चीजें बताई। सबसे पहला चीज मैंने ये बताया कि अगर हम एक को किसी संख्या से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम जीरो से किसी संख्या में गुना करते हैं तो हमें जीरो प्राप्त होता है। ये दोनों बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि एक से किसी संख्या में गुना करते हैं तो हमें वही संख्या मिलता है, लेकिन जीरो से किसी संख्या में गुना करते हैं तो हमें जीरो ही मिलता है। अगर ये दोनों बात सारे बच्चों को समझ में आ गई है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप आसानी से इसका नोट्स बना सके। अगर आप स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे तो आप इसका नोट्स आसानी से बना सकेंगे। ठीक है, चलिए ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पे, और अगला कॉन्सेप्ट है बूझो तो जान। जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। क्या आप जानते हैं शून्य की खोज किसने की थी? चार बॉक्स में बताइए सर बच्चे। जिन बच्चों को पता है कि शून्य की खोज किसने की थी जल्दी से चार बॉक्स में बताएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। आपको पता है शून्य की खोज किसने की थी? जिन बच्चों को पता है जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इसका उत्तर दे रहे हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो शून्य खोज जो है आर्यभट्ट ने की थी, जिसका पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यही जो थे आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज की थी। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण पूछने जा रहा हूँ, एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण पूछने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे उस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे उस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे। वो कौन सा प्रश्न है? वो प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि मोबाइल में उपस्थित अगर सारे अंकों को एक साथ गुना करने पे क्या संख्या आएगी। ये आपको मोबाइल दिख रहा होगा, इसमें कौन कौन संख्या? एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, नौ है, जीरो है। यानी मोबाइल में स्थित जितनी भी संख्या है अगर सभी संख्या को गुना करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है? जल्दी से इसका उत्तर कहाँ देना आपको? जल्दी से इसका उत्तर जो है आपको चैट बॉक्स में देनी है। जल्दी इसका उत्तर दीजिए सर बच्चे। मोबाइल में स्थित जितनी भी संख्या है अगर सारे संख्या को अगर हम लोग गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है? सभी बच्चों को इसका उत्तर देना है। क्या उत्तर देना आपको इस प्रश्न का? इस प्रश्न का उत्तर आपको चैट बॉक्स में देना है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मोबाइल में स्थित अगर सारे नंबर को गुना किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है? जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बहुत बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखिए आपको इसका अंदाजा लग गया होगा कि कोई भी संख्या कितना भी बड़ा संख्या हो अगर उसमें जीरो से गुना करते हैं, अगर उसमें हम लोग जीरो से गुना करते हैं तो वो हमेशा हमें जीरो 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 मिलता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, कितना भी बड़ा संख्या हो जाए अगर हम उसको जीरो से गुना करते हैं तो हमेशा हमें जीरो प्राप्त होता है। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। आगे समझ? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं। सबसे पहला आपके पास एक पोस्ट दिख रहा होगा, एक ब्रैकेट दिख रहा होगा जो रेक्टेंगुलर टाइप का है। आपको एक एक कर को फिल करते जाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले सही बच्चे ए का मान बताएंगे कि ए का मान कितना हुआ, चैट बॉक्स में बताते जाएंगे। शाम्स नाम से जो भी बच्चा जो है ना, कृपया करके अपना माइक म्यूट रखें। आगे से अगर संत नाम से जो कोई भी बच्चा अगर माइक ऑन करता है मैं उनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अपना माइक हमेशा म्यूट रखेंगे बाबू। चलिए 2 × 2, देखिए क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा गया है 2 × 2 और आगे एक का ब्रैकेट डाल के आपको ब्रैकेट किया गया है ए का मान। तो आपको किसका मान बताना है? आपको मान बताना है ए का मान बताना है। बताइए सारे बच्चे ए का मान कितना होगा? 2 × 2 कितना होता है? 2 × 2 होता है 4, यानी ए का मान हमें मिल गया 4। बहुत बढ़िया बहुत, मतलब हमें ए का मान यहाँ पे क्या मिल गया? ए का मान हमें मिल गया है 4। चलिए अब सारे बच्चे बताएंगे बी का मान कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे।
बी का मान कितना होगा? बी का खाने मतलब कि 4 × 4 बराबर है बी। जल्दी बताइए बी का मान कितना होगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। शांत नाम का जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ आपकी तरफ से बहुत ही ज्यादा शोरगुल हो रही है, अगर ऐसे ही शोरगुल होगा तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। तो कोशिश किया कीजिए कि माइक अपना ऑन ना किया कीजिए। शमशेर नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है कृपया करके अपना माइक म्यूट रखें, बहु क्लास डिस्टर्ब होती है। स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत बच्चों ने इसका उत्तर सही दिया है। 4 × 4 जो होता है वो होता है 16। क्या होता है? 16। यानी बी का मान कितना गया? बी का मान आ गया 16। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए उसी प्रकार बताइए, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको है खाली जगह सी और इसको गुना करना है 5 से, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? हमें प्राप्त हो रहा है 5। तो बताइए कौन सा संख्या अगर हम यहाँ पे रखे कि जिसको गुना करने पे हमें 5 प्राप्त हो। ठीक है, अगर 25 रखेंगे तो 25 × 25 125 होता है, हमें तो 5 चाहिए ना, तो 25 तो हम नहीं रख सकते हैं। क्या रखेंगे जल्दी बताएंगे सरोचे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या रखेंगे हम वहां पे? तो वहां पे हम रखेंगे 1। क्या रखेंगे हम वहां पे रखेंगे हम 1। यानी हमें सी का मान कितना मिल गया? हमें सी का मान मिल गया 1। कितना मिल गया हमें सी का मान? हमें सी का मान मिल गया 1। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब आपके पास आ गया है, यहाँ पे है 5 × यहाँ पे 1 और आपके पास क्या है? डी। बताइए कितना होगा डी का मान? कितना बदलता है सर बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 5 × 8 8 × 5 = 40, या 5 × 8 = 40। यानी डी का मान कितना गया? डी का मान गया 40। उम्मीद करता हूँ कि ए बी सी डी का मान सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार अगला पहेली समझाना है। अगला पहेली हम लोग ई एफ का मान सॉल्व करने से पहले, सबसे पहले हम लोग एफ का मान सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए क्या करता हूं मैं, यहाँ पे एफ को ऐसे खाली रख देता हूँ, 3 और हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है 9। तो बताइए सारे बच्चे इस कोष्ट में कौन सा ऐसा संख्या रखें जिसको 3 से गुना करने पर हमें 3 प्राप्त होए? 9 नहीं, 9 रखेंगे लेकिन 9 × 3 कितना होता है? 27 हो जाएगा, लेकिन हमको 9 चाहिए ना, तो 9 तो नहीं रख सकते। क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है कि हमें क्या रखना है। यहाँ पे क्या रखेंगे हम? यहाँ पे रखेंगे हम लोग 3, यानी एफ का मान हो गया 3। चलिए यहाँ पे मिल गया हमें 3। अब आते हैं हम आगे, यहाँ पे हमें मिल गया 3। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, चलिए ये हो गया खाली स्थान 3 और हमें क्या प्राप्त करना है? हमें प्राप्त करना है 3। तो बताइए यहाँ पे जो खाली स्थान है वहां पे क्या रखेंगे हम लोग? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, जो खाली स्थान है वहां पे हम लोग क्या रखने वाले हैं? 1 रखने वाले हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो खाली स्थान है वहां पर हम लोग रखने वाले हैं 1, यानी ई का मान है आपका 1। ई का मान क्या है? 1। अगर सारे बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न स्क्रीन पे है, कोशिश कीजिएगा कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए और बहुत ही जल्दी से सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए पहला ए का मान बताइए सर बच्चे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। ए का मान कितना होगा? चैट बॉक्स में बताना सभी बच्चों को ए का मान कितना होगा, ए का मान कितना होगा। चलिए देख लेते, देखिए चलिए देख लेते हम लोग यहाँ पे। देखिए ए का मान यहाँ हो गया 1 × 2 बराबर कोष्ट है, तो एक में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या मिलता है, तो क्या हुआ? एक मान 2 मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, यानी एक मान कितना हो गया? एक मान हो गया 2। अब 2 को किससे गुना करना है? 2 को गुना करना है 4 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा बी। बताइए कितना होगा 2 × 4 कितना होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 2 × 4 कितना होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 8 होगा। यानी ए का मान मिल गया 2, तो बी का मान कितना मिल गया? बी का मान मिल गया 8। माल कितना मिल गया? 8 मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार सही बच्चे बताएंगे कि सी का मान कितना होगा, सी का मान कितना होगा सही बच्चे बताएंगे? 5। कैसे? देखिए अगर सी का मान अगर हम 5 रखते हैं, अगर सी का मान अगर हम 5 रखते हैं
तो 5 × 5 क्या होगा, 25 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए डी का मान बताएंगे सर बच्चे, सी का मान हो गया 5, डी का मान बताएंगे सर बच्चे, डी का मान कितना बचे? बहुत आसान है, बहुत आसान है, डी का मान तो बहुत आसान है। हमें पता है 25 को अगर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 1 में हम जिस संख्या से गुना करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होता है, यानी डी का मान हो गया 25। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार ई का मान बताइए सर बच्चे, ई का मान बताइए सर बच्चे, ई का मान कितना होगा? चलिए ई को देख लेते हैं, देखिए चलिए इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डी का मान आ गया 25। ई के देखिए ई हो गया खाली स्थान गुने 3 बराबर है 12, तो ये खाली स्थान का मान कितना आएगा? 4 × 12। बहुत बढ़िया ग्रेट, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आ गया। ये जगह ई का मान 4, ई का मान कितना गया? ई का मान हो गया 4। ठीक है चलिए अब सबसे लास्ट प्रश्न, एफ का मान कितना होगा जल्दी सर बच्चे, एफ का मान कितना होगा? सबसे आसान है, सबसे आसान है, बहुत बढ़िया। क्यों आसान है? किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुना करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने ले लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग सीखने जा रहे हैं पहाड़ा 6 से 10 तक, तो उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को पहाड़े याद होंगे। और पहाड़ा बहुत ही सरल तरीका, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 का टेबल, 2 का टेबल क्या था कि जितनी बार जिस संख्या को जोड़ते हैं उसी प्रक्रिया को हम लोग गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बताइए सर बच्चे, 6 × 6 कितना बदल जाता है सर बच्चे? चलिए हम लोग लिखते जाते हैं 6 × 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। चलिए हिंदी में याद करते हैं, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 8 × 6 = 48, 6 × 9 = 54, 6 × 10 = 60। ठीक है ठीक उसी प्रकार 7 × 7 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 7 ×10 = 70। चलिए हम एक एक करके सारे बच्चे पूछ लेते हैं। चलिए चलिए सारे के सारे बच्चे बताएंगे 8 चौका कितना होता है, 8 चौका कितना होता है, 8 चौका का मतलब क्या हुआ? 8 × 4 का मतलब क्या हुआ कि 8 को हमें कितना बार जोड़ना है? 8 को हमें 4 बार जोड़ना है। 8 चौका कितना होता है? 8 चौका होता है 32। 8 को 4 बार जोड़ने पे हमें 32 मिल गया। उस पर 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 64, 8 × 9 = 72, 8 × 10 = 80 है ना। ठीक उसी प्रकार 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 3, 9 × 3 = 27, 9 × 6 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81, 9 × 10 = 90। चलिए सबसे आसान होता है 10 वाला, जल्दी बताइए बच्चे, 10 × 10 = 10, 10 × 2 = 20, 10 × 3 = 33, जल्दी बताइए 10 चौका कितना होता है? सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर चैट बॉक्स में, 10 चौका कितना होता है? सारे बच्चे बताएंगे 10 चौका कितना होता है? 10 चौका होता है 40, 10 × 5 = 50, 10 × 6 = 60, 10 × 7 = 70, 10 × 8 = 80, 10 × 9 = 90, 10 × 10 = 100। बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर ये तो हमें आती है, हमें भी पता है कि आपको ये आती है, हम सिर्फ आपको रिविजन करा रहे हैं ताकि आपको पहाड़ा का ओरिजिनल मतलब समझ में आ जाए। अगर आपको पहाड़ा कैसे है जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि 8 × 32 होता है, इसका मतलब 8 को अगर हम 4 बार जोड़ेंगे तो हमें 32 प्राप्त होगा। तो मैं कल ही बताया था आपको पिछली क्लास में कि पहाड़ा जो होता है जिन संख्या को जितनी बार जोड़ते हैं उसको उसी को हम लोग गुणन की प्रक्रिया कहते हैं, तो सारे का सारा पहाड़ा उसी से बना हुआ है। ठीक है चलिए तो सही बच्चों क्या करना है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। सभी बच्चों क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। जल्दी करेंगे सर बच्चे, सभी बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए देखते हैं आपको कितना अच्छे से पहाड़ा याद हो गया है। सभी बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और इस पहाड़ा को याद कर लेना है सभी बच्चों को। ठीक है यानी आपका जो होमवर्क है आज का होमवर्क है 1 से लेकर 10 तक का टेबल आपको याद करके आना है अगली कक्षा में। ठीक है चलिए
उससे पहले हम दो तीन अभ्यास कर लेते हैं। सबसे पहला सही बच्चे बताएंगे सात त्रिका कितना होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे सात त्रिका कितना होता है, सही बच्चे बताएंगे सात त्रिका कितना होता है 21। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है सही, बहुत बढ़िया उत्तर। ठीक है, उसी प्रकार 8 छक्के, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में 8 छक्के, अकबर चार ऑप्शन है 32 40 48 64, क्या होता है 8 छक्के। स्क्रीन नहीं आ रही। जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है, बच्चे क्या करेंगे एक बार क्लास से लीव करेंगे और फिर से क्लास ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, बच्चे क्या करेंगे सर क्लास से लीव स्क्रीन करेंगे। नहीं दिख रही। हेलो राजू नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है तो क्लास को लीव कीजिए, क्लास को एक बार छोड़कर जाइए, फिर से ज्वाइन कीजिए, आपको फिर से मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी। ठीक है, चलिए 8 छक्के, चलिए बताएंगे सर अगला ऑप्शन क्या है, 6 × 8 क्या होगा। पहला ऑप्शन है 42, दूसरा ऑप्शन है 48, तीसरा ऑप्शन 36, चौथा ऑप्शन है 54, क्या होगा। 8 छक्के 48 बोलिए, चाहे 6 8 48 बोलिए, दोनों बात बराबर है। ठीक उसी प्रकार 9 9 कितना होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे ठीक उसी प्रकार 9 9 कितना होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे 9 × 9 कितना होता है 81, कितना होता है 81। 9 × 9 कहने का मतलब है कि 9 को अगर हम लोग 9 बार जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 81 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार 7 × 7 कितना प्राप्त होगा हमें, 7 × 7 हमें कितना प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे 7 × 7, 7 × 7 का मतलब हमको 7 को अगर हम 7 बार जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा 49। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए सर बच्चे, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आप पोल सेक्शन में जाकर दे दीजिए, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर जो है आप पोल सेक्शन में जाकर दे दीजिए, आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए, आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। 20 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी दे सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, बताइए सर बच्चे चैट बॉक्स में, 8 × 6 इसका मतलब है 8 को अगर हम लोग 6 बार जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा 8 छक्के 48। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। तो अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सर बच्चे, जल्दी करेंगे सर बच्चे, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगर यहां तक किसी बच्चा को डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी यहां तक किसी बच्चा का अगर डाउट नहीं है वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं, अगर यहाँ